गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। बेटा हम आपको आज जीव विज्ञान वाले खंड के विज्ञान में वर्गीकरण के विषय में बताएंगे। क्लासिफिकेशन के विषय में जो बातें चल रही थी उसी क्रम में जुड़ना चाहते हैं। तो आपने ये पढ़ा था कि जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से देना चालू किया, जिसमें सबसे पहले अरस्तु ने टू किंगडम सिस्टम को यूज किया, और उसके बाद थ्री किंगडम सिस्टम आया, फिर फोर किंगडम सिस्टम और फाइव किंगडम सिस्टम, जिसमें फाइव किंगडम सिस्टम को आर्य छिटेकर दिए, काफी पॉपुलर इनका ये किंगडम सिस्टम की विषय में बात रही। तो फाइव किंगडम सिस्टम में इन्होंने पूरे जो पहले जीव समूह में है, सभी जगत है, इसको पांच भागों में इन्होंने बांट के रखा था। पहला क्या था? मोहिला था, और दूसरा क्या था? प्रोटिस्टा था, और तीसरा इसमें जो था वो आपका प्रोटिस्टा के बाद कवक था, और चौथा पादप था, और पांचवा क्या था? जंतु था। तो इतने जगत इन्होंने किए, सजीव जगत, इतने जगत में इन्होंने क्या किया, इन जीवों को अलग अलग बांटा। हम आपको इनका लक्षण बताते हैं कि इनके लक्षण क्या होते हैं। यह आर्य छिटेकर के द्वारा दिया गया क्या है, आपका सजीव जगत का डिवीजन है, क्लासिफिकेशन है। इन्होंने सबसे पहले मोनेरा के विषय में कहने का होता है कि मोनेरा वो जीव कहलाते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं। जो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं, अर्थात इनमें वेल डेवलप्ड केंद्रक नहीं पाया जाता है, सारे डबल मेम्ब्रेन के सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाते, यूनिसेलुलर होते हैं। भोजन वोजन अपना ये प्रकाश संश्लेषण से या पैरासिटिक फॉर्म से बनाते हैं। तो ये सारे जीव कहाँ पड़े जाएंगे? मोनेरा में पड़े जाएंगे। प्रोजेस्टा में एक कोश की यूकैरियोट्स पढ़े जाते हैं, और ये कवक जो होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं? आपके मृतोपजीवी कहलाते हैं, मल्टी सेलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, हाँ, नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। उसके बाद पादप की बात करते हैं तो पौधे जो होते हैं ये ग्रीन प्लांट होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, और इनमें जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना, जबकि कवक में काइटिन की सेल वॉल बनी होती है, और ये अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण मेथड से बना लेते हैं। और जंतु में ये जंतु जो होता है आपका क्या होता है? परपोषी होता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, और ये यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक होते हैं, ये सारी जंतु में बात आती है। अब हम चलिए बात करेंगे कि प्लांट समूह को किन भागों में बांटा गया है, कि एक एक करके प्लांट को कैसे बांटा गया है, इस विषय में बात करेंगे। आप जो है यहाँ से पादप के क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, तो पौधों में एक आता है फाइलोफाइटा, थायलोफाइटा के विषय में बात करते हैं कि थायलोफाइट किसे कहते हैं। बेटा थायलोफाइट जो होता है ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है आपका, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा प्लांट बॉडी जिसमें आप पाएंगे कि पौधे का शरीर जड़ तना और पत्ती में विभेदित नहीं है, ऐसे ही प्रकार के पौधे को हम क्या कहते हैं? थैलस के नाम से जानते हैं। अब जब जड़ तना पत्ती का विभेदन नहीं है तो ये इसी तरीके से ये पौधा क्या होगा, आपका जमीन पे ऐसे ही चिपका होगा, और ये पौधे जो होते हैं बेलबटी के बेलबटी होते हैं, टच में बहुत ही स्मूथ चिकने पाए जाते हैं। और इन पौधों में आप पाएंगे कि वैस्कुलर बंडल का भी अभाव होता है। वैस्कुलर बंडल का अभाव कहने का अर्थ होता है कि इन पौधों में जो आपका जाइलम और फ्लोएम जैसी चीजें हैं वो सारी चीजें नहीं पाई जाती हैं,
और जो जड़ जैसी स्ट्रक्चर होती है वो राजवाड़ या राजोम कहलाती है, जिसमें जिससे वाटर और मिनरल का ये क्या करते हैं एब्जॉर्बेशन। तो इस थायरोफाइट्स को आप देखेंगे बाद में, थायरोफाइट्स ग्रुप में आपका एल्गी आता है, फंगस आता है, ब्रायोफाइट्स आते हैं, ये इतने सब क्या आते हैं थायरोफाइट्स में। इसमें आपका एल्गी जिसे आप शैवाल कहते हैं, शैवाल, कवक और ब्रायोफाइट, आपका फाइट आता है। तो ये ब्रायोफाइट जो होते हैं जैसे आप शैवाल के लिए, कवक के लिए ऑलरेडी आप जानते हैं, जो एल्गी होती है ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की होती है। एल्गीज जो होती हैं, शैवाल जो होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, अर्थात ये अपने भोजन सिस्टम बनाने में सक्षम होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। इनमें पिगमेंट पाए जाते हैं, जो पिगमेंट के कारण इनका रंग भी अलग अलग कलर का होता है, मोस्टली ये ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ये भूरे कलर के, लाल कलर के या अन्य भी कलर के हो सकते हैं। तो अलग अलग पिगमेंट पाया जाता है इसके कारण, यूनिक कलर से लेकर के मल्टी सेलर, एक कोश की सवाल से लेकर के बहुत कोश की सवाल तक पाए जाते हैं। और सेल वाल इनका सेलुलोज का बना होता है, इनमें जो स्टोर्ड फूड के रूप में होता है, स्टोर्ड फूड इसमें स्टार्च पाया जाता है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो स्टोर फूड के रूप में स्टार्च बनाते हैं। और ये पाए जाने की बात करें तो मेनली एक्वाटिक होते हैं, नम प्लेस पे या पानी में पाए जाएंगे, और ये थैलस में ही रखे गए हैं। ऐसे पौधे थैलस ही कहलाते हैं, क्योंकि इसमें भी जड़ तना पत्ती में कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन नहीं, डिवीजन नहीं। हम फंगस में बात करेंगे तो जो आपका फंगस होता है ये ऐसे ही आप जानते हैं, ये नॉन ग्रीन प्लांट है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ऑब्जर्वेटिव मूव का होता है, जहाँ जिस सरफेस को उगता है उसी से मृत पदार्थों से और कार्बनिक पदार्थों को लेता है। और काइटिन की इसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है, काइटिन की बनी हुई है। और इसमें जो भोज पदार्थ है, संचित भोज पदार्थ, वो ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। और ये मेनली टेरेस्ट्रियल होते हैं या पैरासिटिक होते हैं, और इनको किंगडम फंजाई में रखा गया। अब आपके ब्रायोफाइट के विषय में बात करता है, ये काफी एक महत्वपूर्ण ब्रायोफाइट प्रश्न बनता है, ब्रायोफाइट्स के पौधे कैसे होते हैं। तो ये मोस्टली मॉइस्ट और साइडी प्लेस में पाए जाते हैं, मतलब गीले नम छायादार स्थान के प्लेस में। इन पौधों में आपका डार्सल डार्सोवेंट्रली, मतलब आप कह लीजिए कि चपटे चपटे पौधे होते हैं, जो जमीन से चिपके पाए जाते हैं, बेलबेटी टच में होते हैं, चिकने हरे मुलायम, बहुत ही छोटे छोटे जड़ तना पत्ती में डिफ्रेंशिएशन नहीं है, ऐसे पौधे होते हैं उनमें। और रूट की जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जबकि रूट नहीं होता, जिसे राजवाइड्स कहते हैं, राजोम कहते हैं, जो कि जल और वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए काम करता है। और इसके साथ साथ इसके कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसमें जड़ तना पत्ती में थोड़ा डिफ्रेंशिएशन है, और इन्हें प्लांट किंगडम का एम्फीबियम कहा जाता है। सबसे मेन प्रश्न यही बनता है कि इन्हें पौधे के जगत का उभयचर किंगडम होता है, यह इसलिए क्योंकि यह जो होते हैं ऐसे उगते तो जमीन पे हैं, लेकिन इनके जनन के लिए, इनके रिप्रोडक्शन के लिए वाटर क्या होता है, नेसेसरी होता है। और इस तरीके से इनमें जाइलम और संवहन ऊतक का लैक भी होता है, लैक ऑफ वैस्कुलर टिश्यू अर्थात संवहन ऊतक में नहीं पाए जाते हैं। ये सारी बातें इसमें आती हैं। तो इन चीजों के साथ ही ये ब्रायोफाइट भी खत्म होता है। अगले क्लास में हम आपको टेडोफाइट प्लांट के विषय में बताएंगे। यह टेडोफाइट प्लांट के उपयोग इन पौधों से थोड़ा सा ज्यादा डेवलप होते हैं। तो इतनी बातों को आपको जो आपको बताया फाइव किंगडम सिस्टम, थायरोफाइट्स जो प्लांट के आपका पालक को बताया, थायरोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स के विषय में बताइए, इन बातों को आप पढ़ते रहिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में अगली बातों को बताया जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।